नमस्कार मित्रों, नारद संचार समाचार सार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों पर। आज विपक्षी गठबंधन पर कांग्रेस बीजेपी की बयानबाजी, 18 सितंबर को होने वाले विशेष संसद सत्र की तैयारियों का संदर्भ, साथ ही एक देश एक चुनाव को लेकर चल रही बहस, नौकरी के बदले जमीन मामले में राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की कार्यवाही, जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सरकार की सख्त कार्यवाही, चीन भारत सीमा पर रक्षा परियोजनाओं की जानकारी, तमाम संदर्भ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून संबंधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। दरअसल एक महीने पहले ही केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक काल के इन कानूनों को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था और आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए संसद में विधेयक पेश किए थे। इनमें राजद्रोह कानून को रद्द करने की बात की गई है, जो आज के समाचार पत्रों का सार है। इसी के साथ कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, हमारे इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपका कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो हमें आप अवश्य ही भेजिएगा। नमस्कार।